टंडो मोहम्मद खान में सड़कों की तामीर में ताखिर के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान खास खेली। जी ज़ीशान, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? जी, इस वक्त हम टंडो मोहम्मद खान के बहरानी मोहल्ला के इलाके में मौजूद हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की जानिब से यहाँ पर सड़कों की खुदाई और सड़कों की तामीरात का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 20 से 25 फुट के यहाँ पर घड़े बनाए गए हैं, जिसमें अब तक कई बच्चे जो है वो गिरकर शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं और कई हादसात जो है वो रूनुमा हुए हैं। हम यहाँ पर इलाका मकीनों से बातचीत करेंगे कि इन घड़ों की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। किचड़ा जो है ना और गंदा पानी रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, हर टाइम बच्चे उस गंदे पानी में से आते हैं, कई बीमारियां फैल रही हैं उससे। इन गढ़ों की वजह से पूरे हमारे मोहल्ले का जो है सिस्टम वो डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ के जो घर हैं वो भी अब गिरने की तरफ जा रहे हैं, और जो भी बीमार लोग हैं उनको बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, स्कूल में आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। दो महीने से जो काम है इन्होंने खुदाई करके छोड़ दिया है, उसके बाद कोई इसको पूछने वाला तक नहीं है। हमारे साथ मौजूद है टंडो मोहम्मद खान के DCO अली अहमद लुंड, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या इन सड़कों की तामीरात का काम या ये प्रोजेक्ट जो है ये कब तक मुकम्मल किया जाएगा। हमारे कंसल्टेंट जो है मैसर्स उस्मानी एंड कंपनी, उनके डिज़ाइनिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, अब वो रिजॉल्व हो गया है, लेकिन ये इसमें इसको भरने में 10 दिन कम अज़ कम लगेंगे। जी, हमने टंडो मोहम्मद खान के इलाका मकीनों से बातचीत की, उनका कहना था कि इन घरों की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। न ही कोई बच्चा जो है सही तौर पर स्कूल जा पाता है और न ही कोई यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम चल रहा है। इन घरों की वजह से मामूलात ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका।